मैं हूं महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का किया गया आयोजन। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। स्कूल चलो अभियान रैली के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विकास खंड अधिकारी उपस्थित रहे और प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हाथ में बैनर लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली। रैली का आयोजन मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार से होकर दलपतपुर अन्य मुख्य चौराहे से होकर दलपतपुर के प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। रैली अभियान में ब्लॉक अधिकारी और शिक्षा विभाग के भारी तादाद में पदाधिकारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण तरीके से रैली संपन्न हुई। आज मीटिंग नहीं थी, आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करना था। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आज स्कूल चलो अभियान है। हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है कि कोई बच्चा छूटे नहीं पढ़ाई से। जो कोरोना काल में प्रवासी मजदूर आए हैं उनके भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और हमारे यहाँ छात्र संख्या बेसिक शिक्षा में बढ़े, प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग न जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ की समुचित व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा में प्रदेश और केंद्र की सरकार ने की है। उसी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से आज इस दलपतपुर में और चमरौआ के अनेकों विद्यालयों के बच्चों ने यहाँ पर अपना स्कूल चलो अभियान में भाग लिया। उसी के अंतर्गत मैं यहाँ आया था। मैंने एक सैनियों वाला मजरा है और ग्राम सभा है उसकी इलर रसूलाबाद, उस विद्यालय को मैंने गोद लिया है और 6 महीने इनके अंदर साल भर के अंदर उसका समुचित विकास जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं उसको पूरा करके जनपद का मॉडल स्कूल बनाने का काम करूंगा। आज ब्लॉक परिसर मुंडा पांडे में स्कूल चलो अभियान का रैली का शुभारंभ माननीय विधायक जी गोपाल रंजन जी के द्वारा किया गया था और यही हमारा इस उद्देश्य को लेकर रैली की गई है कि जो भी हमारे परिषद विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रहें, विद्यालय नियमित रूप से आएं और नामांकन संख्या 100% होनी चाहिए। जो भी बच्चे रह गए हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनका भी हमें नामांकन कराना है। उसी के लिए एक जागरूकता रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया है।